Now, मैं आज last night 12 o'clock I left Jaipur. In the morning I reached Delhi at 5 o'clock. So I've not slept at all. And अभी मैं in fact मैं सुबह से Zoom calls ले रहा था और अभी मैंने कहा I thought कि मैं 10 minute का rest कर लेता हूँ तो I was just taking a nap. Anyways guys, besides the point, I really love working hard when it comes to the point. As Amit Sarandhi said that it's been 17 years. Yes, currently I'm going into my 18th year. मेरा 18 साल चल रहा है. July में I will complete my 18th year. 2004 I started my career in direct selling, and it has been a very fruitful journey, very a nice journey, amazing journey, with full of ups and downs. आगे बढ़ना चाहते हैं हर इंसान. मेरे साथ बहुत सारी teams हैं. They really want to do well in life, and मैं पुरानी बात नहीं करूंगा. दैट इज हिस्ट्री. मैं आई ऑलवेज टेल पीपल दैट जो मैं कर चुका हूं मैं कर चुका हूं. मैं आगे ही बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर. व्हाट डू वी हैव इन फ्यूचर. आगे हमारे लिए क्या है और हम क्यों ऐसा स्टेप ले रहे हैं, हम क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. यस, हम चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी सक्सेस है वो हमारे पास बार बार आए, जो कि हम बिल्कुल पूरी मेहनत भी करेंगे और बिल्कुल वो हमारे साथ होगा दोबारा. बट द पॉइंट इज कि कुछ दिक्कतें थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, एंड स्पेशली for the future growth which we could not see in the other company. That's why we took this decision. मैं बिल्कुल बच्चा बन चुका हूँ. अगेन मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ. मुझे बड़ा अच्छा लगता है. I really like working hard, and when I could see, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ जब मुझे दिखता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा स्कोप है आगे बढ़ने का, मेरी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, तो I really really go all out. So आज आपको मैं डागर सर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा. इट्स बीन एक डेढ़ महीने पहले की बात है. आई वॉज प्रीटी कंफ्यूज्ड with my previous company because I could not see the growth. Mera check bhi itna grow nahi ho raha tha, and in fact some senior leaders they could not grow their checks. And sirf growth ki baat nahi hai, sabko dikh raha tha ki hum isko aage badha nahi pa rahe aur hum sustain bhi nahi kar pa rahe. So we could see that, and we could feel that after one year maybe shayad hum down ho jayenge. And humko ek cheez pata thi jo main bilkul manta hu direct selling mein, which is missing right now, jo aaj ke time pe currently baki companies mein missing hai. That is, nobody talks about product. Everybody talks about business. Everybody talks about growth. Baatein sab karte hain. But agar main ground pe reality ki baat karu, to it's nobody's growing actually. Nobody talks about business. Nobody talks about how to scale it up. Only jahan pe hokar aata inorganic growth pe zara focus ja raha tha. To mujhe kahin na kahin laga jo hamari pehli company thi. So I was very firm that हमको कहीं ना कहीं कल्चर वापस लेके आना है. कल्चर ऐसा लेके आना है कि एक आम आदमी, एक नया बच्चा जो बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग में, जिसको उसको कुछ नहीं पता, उसको कोई नॉलेज नहीं है, ही कैन कम एंड ही कैन मेक इट बिग. जो कल वो शुरुआत करता है, ही कम्स टू द डायरेक्ट सेलिंग, कल वो शुरुआत करता है. फॉर एग्जाम्पल, आज 15 फरवरी है. अगर 15 फरवरी है, कल वो 16 फरवरी 2022 को कोई ज्वाइन करेगा फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा मानना ये है कि 16 फरवरी को वो ज्वाइन करता है, और अगर वो 16 जुलाई या 16 होगा, अगर 6 महीने के अंदर वो अगर 50,000 तक पहुंच सकता है फ्रेश, दैट इज व्हाट आई कॉल सक्सेस. एंड दैट विल आई कॉल गुड थिंग हैपनिंग इन डायरेक्ट सेलिंग. मैं चाहता हूँ एक नया इंसान आए और वो कुछ बड़ा कर, जो कि मैं आई कुड नॉट सी इट, मैं नहीं देख पा रहा था. तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमको वी शुड गेट इन टू अ कंपनी वेयर द प्रोडक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए. प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए कि मैं अगर एक इंसान को बेचता हूँ, दोबारा मुझे उसके पीछे ना पड़ना पड़े. He should use it, he should consume it, and जब वो use करता है वो खुद आगे खरीदे. मुझे पुष्ट ना करना पड़े कि सर आपने इस महीने नहीं लिया, इस महीने लिया. That is not business. That is not direct selling. It is more about push marketing. I don't want to get into push marketing. I want to basically मैं एक इंसान का काम करना चाहता हूँ, उसको सही प्रोडक्ट को रिकमेंड करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट यूज करे, उसको कंज्यूम करे, उसको पसंद आए, और महीना खत्म होने से पहले ही वो दोबारा यूज करे. तो ये एक डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक लॉ है, बेसिक रूल है, जहां पे जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस है, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है प्रोडक्ट को दी जाती है. बट हमने कभी प्रोडक्ट को नहीं दी. मैं आपको साफ बताऊंगा, हमने भी कभी प्रोडक्ट को नहीं, आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई कैन कन्फेस इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, हमने भी कभी भी प्रोडक्ट को इतनी अहमियत नहीं दी. बट आज हम रियलाइज करते हैं. वो क्यों रियलाइज करते हैं? क्योंकि हमारी खुद की गलती है. रियलाइज इसलिए करते हैं, हमने बहुत बड़ी टीम बनाई. जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग छोड़ रहे हैं, और क्यों छोड़ रहे हैं, उसका मेन रीजन ये है, Because लोग दोबारा प्रोडक्ट को रीपर्चेज नहीं करें. पीपल आर नॉट हैप्पी, पीपल आर नॉट लॉयल टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एक ब्रांड की टूवर्ड्स लॉयल्टी नहीं है. उनको लग रहा है कि ठीक है, हम कोई और भी खरीद सकते हैं. सो दैट वॉज मिसिंग. क्योंकि हमको पता है, हमने बहुत मेहनत करी टीम को बिल्ड करने में, चाहे 50 लोग थे, चाहे 100 लोग थे, चाहे 200 लोग थे. इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ एफर्ट
एंड आई सल्यूट यू ऑल, आई सल्यूट यू ऑल। मुझे पता है आप सबने बहुत मेहनत करी है, जब 100 की टीम बनाई है तो 200 की टीम बनाई है, बहुत मेहनत लगती है। और एंड समटाइम्स आई फील बैड एज वेल कि 200 की टीम के बाद भी आप उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितना आपको होना चाहिए। 200 की टीम बहुत बड़ी टीम होती है। So yes, I could see that, and that's why I took a decision that I want to get into a company where the products should speak for itself. Product इतने अच्छे हों कि मैं अगर किसी को promote कर रहा हूँ तो मैं confidently किसी को product के बारे में बता भी पाऊँ, वो product use भी कर पाए, and then it should gradually grow. And yes, इस company में हमको काफी अच्छा result आ रहा है. Whatever products we are using, I myself are using pretty many products, and I'm getting very good results. At the same time, मैं कभी भी किसी को use करता हूँ, मुझे बड़े अच्छे पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। सो मेरे लिए एक सिंपल सी बात थी, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, और प्रोडक्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो एवरीबडी शुड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी एज इन अगर आप, मैं एज एन इंडिविजुअल, अगर अभिषेक दुआ कर रहा है तो अगर उसकी सेल्फ आईडी में कितनी परचेजिंग है, 2000 रुपए की परचेज, 2000 की परचेजिंग है, 4000 की है, 10000 की, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो पर पर्सन purchase should increase, per person productivity should increase, and that's what I'm looking for. I want every one of you jo aap purchasing karte hain apne self id pe, that to wo to aapne karna hi karna, that is your duty, that is your responsibility, that is the starting of your business. But then comes is like aapne retailing kitni kari, aur retailing tabhi ho payegi jab product mein dam hoga. To I'm very proud to say that ki mujhe abhi tak bahut khushi hai ki main ek achhi company se associated hu. मेरे को प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं जिसको भी बता रहा हूँ प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज्यादा लुक्रेटिव लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम इससे बहुत जल्दी आगे बढ़ पाएंगे, और सारे सेगमेंट में, चाहे वो यूथ सेगमेंट हो, जब अगर हम वे प्रोटीन्स की बात करें, अगर हम सारा जिम रेंज की बात करें, या पर्सनल केयर की बात करें, या न्यूट्रिशनल शेक्स, जो स्लिमिंग शेक्स है उसके बारे में बात करें, तो वी हैव अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो बहुत सी चीज है, हम आज डिस्कस करेंगे, बट यस आई वुड नॉट टेक मच टाइम क्योंकि मेरे को आप बहुत सुन चुके हैं। आज हमारा टाइम है कि हम डागर सर को सुने, एंड आई होप डागर सर इज विद अस टुडे। सर आर यू देयर? अमित जी, इज डागर सर आ गए? यस सर, दिख तो रहे हैं सर को, होस्ट भी हैं सर। सर मैं प्रेजेंट हूँ, बस दो तीन मिनट में आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके ओके, राइट सर। यस, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि मैंने व्हाई आई चोज टू कम इनटू दिस कंपनी, बिकॉज मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि मैं कभी भी कितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से मिला हूँ या कितने भी लीडर से ही मिला हूँ, चाहे मेरी अपलाइन चाहे डाउनलाइन, व्हाटएवर आई हैव सीन, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट मनी, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट चेक्स। पहली बार मैं किसी कंपनी से मिला, पहली बार किसी कंपनी के ओनर से मिला, क्योंकि देखिए कंपनी के ओनर अच्छी बातें करते हैं, ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज गुड, सब अच्छे हैं, सब अपने प्रोडक्ट्स की बातें करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। एक चीज जो मेरी आइडियोलॉजी यहाँ पे इनसे मैच हुई, इन्होंने मेरे को एक बार भी किसी का चेक नहीं दिखाया, दे डिडंट शो मी कि हमारी कंपनी में ये है, इनका 2 लाख का चेक है, 3 लाख का चेक है, 4 लाख। द ओनली थिंग विच डागर सर टोल्ड मी दैट हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, और इस प्रोडक्ट्स के साथ हम मार्केट में एक अलग मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, हम इस प्रोडक्ट रेंज के साथ वी कैन रूल द मार्केट, वी कैन कॉन्कर द मार्केट। द ओनली पॉइंट, मैंने आज तक, मैंने जब भी किससे मिलता हूं, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट कि हमारे कंपनी में 10 नाम है इसका 1 लाख का चेक है, 50 नाम है इनका 1 लाख का चेक है, हर इंसान बोलता है। और मैं अभी बता रहा हूं, मुझे अभी भी नहीं पता कि D9 में कितने लोग हैं इनका 1 लाख रुपए का चेक है, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बिकॉज मेरे साथ कभी बात हुई नहीं, मेरे साथ सिर्फ बात हुई ग्रोथ को लेके, मेरे साथ बात हुई प्रोडक्ट्स को लेके, प्रोडक्ट्स को अच्छा कैसा बनाया जाए, पे आउट्स टाइम पे आते हैं, और डिलीवरी, यानी जो लॉजिस्टिक्स है कि अगर हमारी टीम बहुत बड़ी है बैंगलोर में, उड़ीसा में, जयपुर में, चंडीगढ़ में, तो जहां जहां पे लोग ऑर्डर्स करेंगे तो क्या हमारे को अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो हमने सिर्फ इससे बात करी, हमने टेक्नोलॉजी पे बात करी, हमने लॉजिस्टिक्स पे बात करी। सो आई एम लुकिंग इन अ वेरी फ्यूचरिस्टिक वे, मैं चाहता हूँ कि हम एक बहुत बड़ी कंपनी बने। सर मैं कुछ चीजें और साथ में थोड़ा से मैं सोच रहा था डागर सर हैं तो थोड़ा सा मैं डिस्कस करूं, जो कि मैं अभी काम कर रहा हूं सर पिछले 10 दिन से ग्राउंड लेवल पे मुझे थोड़ा सा फेस करने को मिल रही है। सर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्योंकि हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है सारे बच्चों का, चाहे वो प्रीवियस कंपनी का हो, तो सब लोग रिटेलिंग से इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं है कि रिटेलिंग का कितना बड़ा रोल होता है। कि इवन कई सारे एग्जाम्पल सर हम अभी देख रहे हैं कि पहले ही महीने के अंदर लोग 30-30 हजार रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, 20-20 हजार की अर्निंग कर रहे हैं रिटेलिंग के ऊपर।
राइट। अभी क्या आता है सर, कोई नया भी बच्चा आता है सीधा चेक देखता है, चेक की बात करता है, तो सर आप अभी किसी नए पर्सन के लिए रिटेलिंग मतलब आप क्या बताना चाहेंगे कि रिटेलिंग कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कुछ ऐसे आइडियाज जो कोई एक महीने से या दस दिन से इस बिजनेस का पार्ट है जिसके ऊपर वो भी काम करके अपनी रिटेलिंग शुरू कर सकता है, कुछ ऐसे आइडियाज आप डिस्कस कर पाए सर? राइट राइट राइट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए गाइस, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड है, नेटवर्क मार्केटिंग, दैट आप एक नेटवर्क क्रिएट करें, उससे मार्केटिंग करें और अपना इनकम जनरेट करें, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट एट द सेम टाइम इसमें जो डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है, डायरेक्ट सेलिंग ये है कि आपको डायरेक्टली किसी को सेल करना है। रिटेलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डायरेक्ट सेलिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अगर मैं शुरुआत कर रहा हूँ, हाँ आज मेरे पास शायद टीम है, मैं अगर काम शुरू करूंगा मेरा चेक डिसेंट बन जाएगा, बट टीम है, बट अगर मैं शुरुआत कर रहा हूं तो मेरे को एक अच्छा चेक बनाने के लिए मेरे को एक अच्छा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो नेटवर्क बनाने का मतलब अगर मेरे को 100 लोगों की टीम बनानी, फॉर एग्जांपल, 100 लोगों की टीम एकदम से नहीं बनेगी, मे बी 4 महीने 6 महीने लग जाए, तो व्हाट डज इट मीन कि मेरे को 6 महीने वेट करना पड़ेगा कि इनकम जनरेट करने के लिए? दैट इज नॉट राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग इसलिए शुरुआत हुई थी कि अगर आप केपेबल हैं, अगर आपके अंदर वो स्किल्स हैं, और अगर स्किल्स नहीं भी है पर तब भी मुझे इतना पता है, हम आपको ऐसे प्रोडक्ट्स देंगे, आप डायरेक्टली जाके किसी को भी बेच सकते हैं, आप जाके बेचिए और आपको हम इतना केपेबल बना देंगे कि आप अपनी एक इनकम जनरेट करने लग जाएंगे। हर इंसान एक बड़ी टीम नहीं बना सकता, हर इंसान 200 की टीम, 500 की टीम, 1000 की टीम नहीं बना सकता, बट हर इंसान 50,000 1,00,000 रुपए की रिटेलिंग जरूर कर सकता है, इतना प्रोडक्ट बेच जरूर सकता है अगर उसके बाद रेगुलर कस्टमर वो बनाता रहे। तो ये हमको रियलाइज हुआ, कि हम अगर काम कर रहे हैं तो हम रिटेलिंग नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए रिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि सिर्फ वही इंसान कमाएगा जिसके पास बड़ी टीम है। सिंपल सी बात है, देखिए अगर रिटेलिंग से अगर आप नहीं कमा रहे हैं तो अगर सिर्फ नेटवर्क से कमाना है तो नेटवर्क कमाने के लिए आपका नेटवर्क बड़ा होना चाहिए, और हर इंसान का नेटवर्क नहीं बड़ा हो सकता, एक फैक्ट है, हर इंसान का नेटवर्क नहीं बढ़ा सकता, तो फिर क्या होगा, सिर्फ लिमिटेड लीडर्स कमाएंगे जिनका नेटवर्क अच्छा है। तो हमको पता था कि हमने एक ऐसी कंपनी देखनी है जिसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जो एक आम आदमी यानी कि इंसान जिसके पास 10 की टीम है, 5 की टीम भी है, पर वो भी 20,000 कमा पाए। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी 5 लोगों की भी टीम है, आप 20,000 महीना कमा सकते हो। रिटेलिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, मैं आपको थोड़े से एग्जांपल बता देता हूं। मैं आज के टाइम पे कहीं भी जाता हूं तो आई कैरी माय 2-3 प्रोडक्ट्स विद मी, मैं एक बेरी टी हमेशा साथ में लेके जाता हूँ, एक कुल्फी शेक हमेशा साथ में लेके जाता हूँ, दैट्स अ प्रायोरिटी नाउ। रिसेंटली मेरे घर में गेट टुगेदर था, मैंने लोगों को बुलाया और मैंने वहां पे शुरुआत ही क्या करी, मैंने बेरी टी से सर्व करी, सिंपल। मैंने शुरुआत ही क्या करी, कोई मैंने किसी को नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग के लिए नहीं बुलाया, नॉर्मल मीटिंग के लिए आए हम, एक गेट टुगेदर था घर पे, एंड हमने उनको शुरुआत ही क्या करी, बेरी टी से शुरुआत करी। तो वंस दे टेस्टेड इट, सो दे फेल्ट समथिंग गुड, ओ इट इज गुड, समथिंग गुड इज हैपनिंग, तो दे आस्क्ड मी कि क्या है ये, क्योंकि इट वॉज अ वेरी डिफरेंट थिंग, क्योंकि लोगों ने कभी इतना टेस्ट किया नहीं था। तो देन आई स्टार्टेड टेलिंग देम, और एक बार मेरे को मौका मिल गया बताने का कि क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या, दैट इज इट, तो फिर मेरे को सेल करनी है। मैं चाहता हूं कि सामने वाला मेंबर मेरे से एक बार पूछ ले, और पूछेगा कैसे, एक बार उसको प्रोडक्ट को टेस्ट कराना चाहता हूं। होता क्या है, लोगों ने कभी इस पर मेहनत ही नहीं करी, लोगों ने क्या किया कि कुछ भी नहीं करना है, 2,000 की परचेजिंग करनी है, हर महीने करते रहो आप करोड़पति बन जाओगे, मर्सिडीज आ जाएगी। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, ये बिल्कुल बेकार तरीका है काम करने का। काम क्या करना है, आपने प्रोडक्ट टेस्ट कराइए, इफ द पर्सन लाइक इट, वो पूछेगा भी क्या है, वो उसके बाद लेगा भी आपसे, एंड उसको अगर समझ में आता है, ही विल बी अ कंटिन्यूअस यूजर ऑफ दैट प्रोडक्ट, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। हम चाहते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट बेचे तो वो हर महीने ले, हम बार बार पीछे ना पड़े, क्योंकि हमको आगे क्रिएट करना है, हमको आगे बड़ा बनना है। अगर हम एक ही चीज के पीछे पड़ते रहेंगे तो हम कभी नेटवर्क क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो रिटेलिंग आपको मैं धीरे धीरे और समझाऊंगा, आप कभी भी जाते हैं प्रोडक्ट को साथ में लेके जाइए, इससे मिलते हैं, अब वहीं पर ही उसको प्रोडक्ट यूज कराए, एक बार यूज करवाए, उसका समझे, एंड देन द गेम इज योर्स, देन द गेम इज योर्स, देन आप आराम से इसको, यू कैन रूल द गेम एंड यू कैन टोटली, आप किसी को भी कुछ भी सेल कर सकते हैं। आई स्टार्टेड डूइंग इट, मैं आप बताया 18 साल के एक्सपीरियंस के बाद आई एम डूइंग रिटेलिंग, बिकॉज आई एम लाइकिंग इट, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट कि प्रोडक्ट अच्छा है, यूनिक प्रोडक्ट है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मार्केट में इजिली अवेलेबल नहीं मिलेगा, आई एम वेरी मच, मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं, तो यस व्हाई नॉट। I'm getting a message that Dagar sir is ready and that's what we are waiting for. मैं तो आज बिल्कुल तैयार होके भी नहीं आया, because मैं तो पिछले 4 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, I've not slept at all. You can see my eyes right now. I'm in a very bad shape. पिछले 4 दिन से मैं regular पूरी late night हम meetings कर रहे हैं। In fact मैं 4 दिन से जयपुर में ही था।
एंड आज सुबह अर्ली मॉर्निंग आया, वो भी मैं रात को 12 बजे मैंने गाड़ी चलानी शुरू की एंड अर्ली मॉर्निंग 5 आई रीच्ड. सो द पॉइंट इज वी आर सो पैशनेट, हम इतने पैशनेट है जब काम करने को आते हैं भूल जाते हैं रात दिन. तो बट यस सेम गोज विद डागर सर, ही वाज आल्सो विद अस इन जयपुर. सो हर इंसान यहाँ पे बहुत क्रेजी हुआ हुआ है काम करने के लिए, बहुत बड़ा बनना चाहता है एंड हम सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं. बट नाउ आई एम हैंडिंग इट दिस टू डागर सर, सो प्लीज डागर सर वेटिंग फॉर यू सर, प्लीज जॉइन इन. Hi, sir, thank you so much and बहुत अच्छा लगा सर, you explained it very well and I'm sorry I'm joining late. और मुझे गाड़ी से join करना पड़ा because अभी तक घर नहीं जा पाया, आप वाला हालात है थोड़ा सा. And I'm lucky enough that I'm working with you अभिषेक सर live. मैं मेरे ख्याल से शायद हर मीटिंग में भी बोलूंगा तो भी अपना पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, बट I'm really lucky that we are working together. नहीं सर, माय प्लेजर, हमारे को हम आपसे जुड़े हमको बहुत अच्छा लगा. बट आपसे जुड़ने का मेन कारण था कंपनी के प्रोडक्ट्स को, आप बिल्कुल हमको बहुत पसंद आए थे. बट हमारे को कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए क्योंकि हमारा मेन मकसद ये था कि अगर प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते तो शायद हम नहीं करते. क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले टाइम में अगर प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होंगे, हम कितना भी कुछ कर लें, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, आसान नहीं है आगे बढ़ना. सो मेन जो रॉ मटेरियल है, जो वेपन्स है हमारे को आगे बढ़ने के लिए, दे आर द प्रोडक्ट्स एंड वी रियली लाइक द प्रोडक्ट्स. The exclusivity, जो टेस्ट है, जो हम जो whatever taste company has come up with, amazing things. So I am very confident that we can really do well. And यहीं से हम आगे शुरुआत करना चाहेंगे. So sir, आज हमारे बीच में बहुत लोग हैं and लोगों के बहुत सपने हैं. कुछ लोगों के सपने हैं जो कई बार थोड़े डाइसी हो जाते हैं, थोड़े कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर क्या हमारे सपने पूरे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे. क्योंकि लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग अपने सपने पूरे करने के लिए किया था. वो मिडिल क्लास फैमिली से थे, एक ऑर्डिनरी फैमिली से थे, वो चाहते थे कि हम भी यहाँ से एक ऑर्डिनरी फैमिली के लोग एक बड़ी फैमिली में पहुंच जाए. जो मेरे माँ बाप के सपने हैं, जो शायद एक जॉब में नहीं मिल पाएंगे, जहां मैं एक अच्छा बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, मेरे को लगता है मैं डायरेक्ट सेलिंग से वो सपने पूरे कर पाऊँ. सपने का मतलब कि हाँ, मैं 25 साल में 30 साल में एक अच्छा घर बना पाऊँ, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, मुझे कोई दिक्कत ना हो, मेरा कोई टेंशन नहीं है, आई हैव डीसेंट मनी इन माय बैंक अकाउंट, मेरे फैमिली में कोई दिक्कत आती है. बट यहाँ पे अभी भी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या हम बड़ा करियर कर पाएंगे, कि यहाँ पे सिर्फ बातें ही हैं. तो अभी भी लोग पीपल आर लिटिल स्केप्टिकल, ये क्या सही हम बड़ा कर पाएंगे. सो मैं आज चाहूंगा कि सर हम सबको हम एक ऐसा विजन दें कि क्यों प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी होनी चाहिए, क्यों प्रोडक्ट पे हमको फोकस करना चाहिए और रिटेलिंग कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंड क्योंकि मैं मानता हूं कि सिर्फ प्रोडक्ट्स अच्छे होना भी नहीं है, आपको मार्केट में जाकर उसको रिटेल करना है. और टेक्नोलॉजी में हम क्या क्या करना चाहते हैं. सो सर ऑफ टू यू सर, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए कि हमने D9 जो हमने किया है, सो अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड वाह, हम इसको कैसे बड़ा कर सकते हैं. देखिए दो चीजें सर मैं बात करूंगा सपने के लिए. मेरे को ये मानता हूं मैं कि दो चीजों के बीच में हमारे को डिफरेंस करना बड़ा जरूरी है. 99% पीपल कंफ्यूज्ड हैं, वो अपने विश और अपने ड्रीम दोनों को अलग नहीं रख पाते हैं. मैं कई बार बोलता हूं कि लोगों की अगर डायरी पढ़ेंगे और उनके ड्रीम्स को पढ़ेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है उन्हें डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की या अप्लायंस की जरूरत नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं शायद अलादीन का चिराग. क्योंकि जैसे सपने उनके हैं और जैसे रिक्वायरमेंट वो रखते हैं ना, उनको तो कोई अलादीन का जिन ही शायद कंप्लीट कर पाएगा. डायरेक्ट सेलिंग या अप्लायंस तो उनको कंप्लीट करने की हालत में नहीं होते हैं. क्यों? लोगों को जब बोला जाता है कि अपना ड्रीम लिखिए, अपना सपना लिखिए, सपना ओरिजिनेट होता है आपकी सिचुएशन से. मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा ताकि हम लोग जिंदगी भर साथ रह सके और एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर सके बहुत आगे लेके जाने के लिए. और मैं चाहूंगा फर्स्ट स्टेप पे जैसी हम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे ना, वैसा हमारे को रिजल्ट आएगा. सपना होता है बहुत ही ओरिजिनल आइडिया. किसी सर्कमस्टेंस में या तो मैं हर्ट हुआ, या मुझे इंफीरियर फील हुआ, या मुझे लगा कि शायद आई एम नॉट फिट इन दिस वर्ल्ड, तो मेरे को अपने आप को फिट करने के लिए जो टूल रिक्वायरमेंट है, जो चीजें रिक्वायरमेंट है, वो मेरा ड्रीम बनता है. एक व्यक्ति बोलता है मेरा ड्रीम है मुकेश अंबानी से ज्यादा अमीर बनना, या रिलायंस से ज्यादा बड़ी कंपनी खड़ी करना. ये आपकी चाहत हो सकती है, ड्रीम नहीं हो सकता. ड्रीम कैलकुलेटेड है बैकवर्ड्स की मेरे को ये करना, तो इसके लिए मेहनत क्या करनी है, इंग्रेडिएंट्स क्या लगना है. अगर कोई किसी से पूछे अलादीन का जिन पूछेगा बनना क्या चाहते हो, तो मैं कहूंगा यार ये एलन मस्क और अमेजोन के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, इन सबका पैसा उठा के मुझे दे दे, मेरी चाहत ये है. लेकिन ये सिर्फ चाहत है, ये बिजनेस नहीं हो सकता, ड्रीम नहीं हो सकता. ड्रीम होता है बहुत ही रिलेटेड ड्रीम, मतलब मैं अपने मदर फादर को वर्ल्ड टूर कराना चाहता हूँ,
मैं घर के लिए गाड़ी बाय करना चाहता हूँ या मैं एक अच्छा घर बना के अपने परिवार को उसमें रखना चाहता हूँ, ये सब चीज सपनों का पार्ट है और ये भी स्टेप दर स्टेप होगा। मैं मानता हूं एक व्यक्ति जो 6 digits में कमा रहा है यानी 1 lakh rupees महीने का इनकम कर रहा है इंडिया में राइट नाउ, दैट्स अ ड्रीम इनकम। हमारे देश की इकोनॉमी के हिसाब से 1 lakh rupees महीना आ रहा है तो आप अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, नॉन चैलेंजिंग लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले ड्रीम बहुत बड़े रखने से पहले हमें पहली सीढ़ी का पहला ड्रीम रखना चाहिए। आपका कोई भी ड्रीम रहेगा, आप कितना भी बड़ा ड्रीम प्लान कर लीजिए, वो गुजरेगा इसी सीढ़ी से। पहले तो आप 6 figure की इनकम पे पहुंचेंगे, फिर मे बी कल 7 को पहुंचे, 8 को टच करें, आपको 10 figure पे आउट भी टच करना तो इट विल स्टार्ट विद 6 figure और वहां जाके लाइफ ना कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है। तो मैं चाहूंगा हम लोग प्लान करें कि कैसे हम सबसे पहले 6 figures पे पहुंचते हैं। अब 6 figures की इनकम के लिए एग्जैक्टली मुझे अपना वर्कलोड कैलकुलेट करना है कि मैं क्या करता हूं। इसमें मैं यहां पर आपको एक नया लॉ ऑफ एवरेज बताना चाहूंगा दैट मे हेल्प यू इन वेरी लॉन्ग रन। एक लॉ ऑफ एवरेज बताया जाता है और लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है, डायरेक्ट सेल्स में हमेशा काम करेगा। ये लॉ ऑफ एवरेज बताया जाता है कि लेट सपोज आपने 200 लोगों का लिस्ट बनाया, लिस्ट मीन्स नेम लिस्ट, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, जैसे भी आप जानते हैं, जिनसे आप मीटिंग कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिलेटिव होने के नाते, फ्रेंड होने के नाते, एक्वेंटेंसेस होने के नाते, किसी भी नाते आप बातचीत कर सके उनसे। आप जितना लंबा लिस्ट बनाएंगे उतना बेटर रहता है और सोचना नहीं होता। और आज मैं आपको फैक्ट बताऊंगा क्यों नहीं सोचना होता, क्या होगा। तो लॉ ऑफ एवरेज में बताया जाता था कि मान लीजिए आपकी 200 लोगों की एवरेज एक लिस्ट आती है, नेम लिस्ट 200 लोगों की होती है, वो जब बन जाती है, तैयार हो जाती है, तो उसमें से लगभग 100 लोगों को आप बुला पाएंगे, 100 लोग आके देखेंगे तो 10 लोग जुड़ेंगे, 10 लोग जुड़ेंगे तो उनमें से 2 या 3 लोग काम करेंगे, आपकी दोनों लेग चल जाएंगे और आप बहुत अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। लॉ ऑफ एवरेज इज डिफरेंट, थोड़ा सा अलग हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अगर आप 200 लोगों का लिस्ट बनाएंगे तो इसके 4-5 टुकड़े हो जाएंगे। न्यू लॉ ऑफ एवरेज को पढ़िए और आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक नया बच्चा जो अभी नेटवर्क मार्केटिंग में आया है वो 3 महीने के अंदर भी अच्छे लेवल की सक्सेस हासिल कर सकता है। कैसे? न्यू लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि आप 200 लोगों की लिस्ट बनाइए, इस लिस्ट में आप कितने भी अच्छे इंसान रहे, आपके पास कितना भी अच्छा प्रोडक्ट रहे, आपके पास कितना भी शानदार अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो और आप कितने भी स्किलफुल क्यों ना हो, 10% पीपल, 10% लोग घनघोर नकारात्मक मिलेंगे इस लिस्ट के अंदर। वो ऐसे लोग हैं जिन्हें कृष्ण भगवान भी उतर के बताएं तो भी नहीं मानेंगे चीजों को। वो पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि हमसे ज्यादा समझदार कोई इंसान है ही नहीं, हमें जो पता लग चुका वो संसार की सबसे बढ़िया चीज है। बावजूद इसके वो कहीं सक्सेस के टर्म्स में स्टैंड नहीं करते, लेकिन वो इस माइंडसेट को डेवलप कर चुके हैं। जो माइंडसेट दुर्योधन ने डेवलप किया था, उन्हें साक्षात कृष्ण जी, भगवान जी समझाने गए तब भी उनकी समझ में कुछ नहीं आया था। तो हम ये उम्मीद करें कि मेरी लिस्ट में हर कोई मैच्योर हो जाएगा, तो आपको अपने आप को भगवान से बड़ा स्टेटस देना पड़ेगा। और अगर आप ये मानते हैं कि आप भगवान नहीं है तो 10% रिजेक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कर सकते हैं। जहां नकारात्मक बात आए, जहां नेगेटिव माइंडसेट आएगी, ओपन हो ही नहीं रहा, आप बहुत जेंटली बात कर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, आप बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ बंदे को बात बता रहे हैं, फिर भी ओपन माइंड नहीं हो रहा। तो ऐसे व्यक्ति के साथ समय खराब नहीं करना, बहस नहीं करनी। 1-2 प्रोडक्ट, जैसा पंकज जी ने मीटिंग में भी कहा, कुल्फी शेक पी के देखता हो तो पी के देख लेगा, GIT का पानी पीना है पी के देख लेगा, अदरवाइज जहां ये हो जाएगी इस आदमी का ब्रेन ओपनिंग नहीं होनी, लीव द मीटिंग एंड अर्न द टाइम, अपना टाइम बचा लीजिए। तो 200 लोगों की लिस्ट में 20 लोग तो बाहर हो गए, ये कभी नहीं बदलेंगे, दीज पीपल कांट बी पार्ट ऑफ अवर बिजनेस। उसी लिस्ट में 30% 15% एक और सेगमेंट है, ये लोग नेगेटिव नहीं है, सुपर नेगेटिव लोग नहीं है, लेकिन ये हमेशा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं इन लोगों से जो 10% है, इनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। ये खुद इतने नेगेटिव नहीं है, लेकिन इनका जो मजा है ना, इन्हें सुपर नेगेटिव लोगों को मिलके मजा मिलता है, जिन्होंने करना कराना कुछ नहीं पर सबको गाली देते फिर रहे हैं, गवर्नमेंट को गलत बोल रहे हैं, इसको गलत बोल रहे हैं, उसको गलत बोल रहे हैं,
15% इनसे इन्फ्लुएंस है, ये भी हमारे काम का स्टफ नहीं है। कुल मिला के हमारी लिस्ट का 25% सेक्शन खत्म हो जाता है। अब इस स्टफ का करे क्या, ये पहला क्वेश्चन है। इस स्टफ का कुछ नहीं करा जा सकता, ये आज से दिमाग में बैठा लीजिए, ये रिजेक्टेड स्टफ है। हर फैक्ट्री का कुछ रॉ मटेरियल खराब होता है जो डस्टबिन में जाता है, ये हमारी लिस्ट का बेकार रॉ मटेरियल है जिसको हमें डस्टबिन में जाना है। हमें मालूम नहीं है ये लोग कौन है, लेकिन बात करते रहेंगे तो मिल जाएंगे लोग। सो दीज आर मेंट टू सेंड देम इनटू ट्रैश बिन, इनको ट्रैश बिन में डाल के छोड़ दीजिए। देखिएगा ज्यादातर अनसक्सेसफुल नेटवर्कर ना अपनी अप्लाइंस से एक ही सवाल करेगा, सर जो ऐसा नेगेटिव है, सर जो वैसा नेगेटिव है, सर उनको कैसे कन्वर्ट करें। 50 पीपल को रिजेक्ट कर दीजिए, अपनी लिस्ट के 25% को रिजेक्ट कर दीजिए। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पता है इन्हीं 50 लोगों को कन्वर्ट करने के लिए ना अपने आप को स्ट्रेस कर लेते हैं, निगेटिव कर लेते हैं, आपको लगता है ये सारी दुनिया बुरी है। एक्चुअली में केवल आपके लिस्ट में 200 में से 50 लोग बुरे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को स्ट्रेस डाउन कर रहे हैं कि नहीं यार सारी दुनिया बुरी है, मेरे जाते ही टूट पड़ेगी, मेरे को कोऑपरेट नहीं करेगी, मेरे को प्रोडक्ट पे इतने सवाल करके नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, मेरी अपॉर्चुनिटी को गलत बोलेंगे। ऐसे कुल 50 लोग हैं जिनकी हम छूट दे रहे हैं, आप 100% ऑन द फेस रिजेक्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, ये मैटर फुली नहीं। और मैं बताऊंगा आपको कैसे फर्क नहीं पड़ता, आप खुद एनालाइज करेंगे। ट्रैश बिन, राइट। अब एक सवाल यहां आता है, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कभी, बोले सर मान लो किसी व्यक्ति की लिस्ट ही 100% नेगेटिव की हो, उसकी लिस्ट में सारे ही नेगेटिव हैं, तो कैसे काम करें। तो मैंने कहा मैं ऐसे आदमी को मैं ट्रैश बिन में कर दूंगा, क्योंकि ये आदमी मेरी टीम में रहने के लायक ही नहीं है। ऐसा भी क्या किया इसने जिंदगी में कि इससे कोई पॉजिटिव आदमी जुड़ता ही नहीं है, सभी नेगेटिव ही है इसके साथ, तो ऐसा आदमी हमारी टीम में रहने के लायक नहीं है। किसी की लिस्ट में 25 हो सकता है, 30 हो जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं। अगर सभी उसकी लिस्ट में नेगेटिव हैं तो वो हमारी टीम से बाहर हो जाए, तो अपलाइन उसको ट्रैश कर दे, राइट। अब बचे हुए 150 लोग हैं, ये 150 लोग ये बिजनेस नहीं करेंगे आपके साथ, ये किसी के साथ बिजनेस नहीं करते, ये जो काम कर रहे हैं उसमें खुश हैं, ये पियोन है तो खुश हैं, ये क्लर्क हैं तो खुश हैं, ये ऑफिसर हैं तो खुश हैं, ये फैक्ट्री चला रहे हैं तो खुश हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं तो खुश हैं, ये पब्लिक को लूट रहे हैं तो खुश हैं, मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं तो खुश हैं, राजनीति कर रहे हैं तो खुश हैं, ये खुश लोग हैं, ये सेटिस्फाइड अपने काम से। हमें ना इनके काम को नीचे दिखाना ना ज्यादा ज्ञान देना। ये 150 लोग आपके बोलने पे एक बार प्रोडक्ट ट्राई जरूर कर लेंगे। जब आप बोलेंगे कि सर या रिलेटिव जो भी हैं, दोस्त हैं, कि एक बार मेरे कहे पे आप फॉर वंस ये प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं, तो वो जरूर कर लेंगे। ऐसे में यूजुअली हमें उनको बर्डन नहीं करना होता कि हम उन्हें सप्लीमेंट दें या कुछ दें। जो उनकी जनरल यूज की चीजें हैं, स्पाइसेस हैं, उनके घर में साबुन यूज होता है, शैम्पू यूज होता है, पर्सनल केयर है, आप जो बेस्ट पोर्टफोलियो जो इजीली एक्सचेंजेबल है, हेयर ऑयल है, आप उनको रिकमेंड करके वन टाइम शिफ्ट करा सकते हैं, वन टाइम रिप्लेस करा सकते हैं। 150 पीपल आपका प्रोडक्ट ट्राई करेंगे, एक आदमी को आप एवरेज 20-22 प्रोडक्ट देते हैं, चारों क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, और उनका यूज अच्छे से समझाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रोडक्ट यूज कैसे करना है। पर्सनल केयर जो उनके घर में यूज होते हैं, स्पाइसेस जो उनके घर में यूज होते हैं, टूथपेस्ट, सैनिटरी नैपकिन, आपका क्या बोलते हैं, चाय, सीटीसीडी, फिनेस्टी, ये सब उनके घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं। एक बार वो स्विच करते हैं, 100% लोग 100% प्रोडक्ट से कभी इंप्रेस नहीं होंगे। मैं एवरेज मान के चलता हूं कि एक आदमी को आप 2-3 हजार का प्रोडक्ट देकर आते हैं और उसमें एक एवरेज 1000 बिजनेस वॉल्यूम आप करते हैं। बहुत बेसिक्स का मैं लाइन बोलूंगा, लगभग 1000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं और 2-3 हजार की एवरेज में आप प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं। 100% लोग 100% प्रोडक्ट सेटिस्फाई नहीं होंगे, ये डन है। लेकिन 150 पीपल को आप अप्रोच करते हैं, 50 लोग भी हर महीने करते हैं, छुट्टी वाले दिन थोड़े ज्यादा, वीक डेज में एक या दो, ऐसी सिचुएशन में आप इजिली 50% को डायरेक्टली कवर कर सकते हैं इन अ मंथ। 150 लोग आपको 3 महीने के अंदर मिल जाते हैं। एवरेज बिजनेस वॉल्यूम जो आप हिट करते हैं, दैट इज 1,50,000।
100% रेट कभी नहीं आएगा, प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन का हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन 100% लोग 80% प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाएंगे, यानी ऑन एन एवरेज 800 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने आप रिटेल करने की सिचुएशन में आ जाएंगे इन 150 परिवारों को। आगे ये टाइम टू टाइम आपको कस्टमर भी देंगे, आपको आगे भी बढ़ाएंगे, ये बिजनेस एक्टिवली नहीं करेंगे लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी से खुश होकर प्रोडक्ट को प्रमोट कर देंगे, विच इज योर बिजनेस। दे आर नॉट इनटू बिजनेस बट दे आर प्रमोटिंग योर बिजनेस एंड दैट इज व्हाट यू वांटेड एंड दे जस्ट डोंट वांट बीवी फॉर दैट। उन्हें बिजनेस वॉल्यूम भी नहीं चाहिए लेकिन आपका प्रोडक्ट से खुश है, इसलिए अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को बता के आपका एक सेल वॉल्यूम खड़ा कर देंगे, उसको एक्सेलरेट कर देंगे। इन 150 लोगों से 800 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं तो आप लगभग लगभग 100,000 बिजनेस वॉल्यूम ऑन एन एवरेज फोर्थ मंथ से हिट करने की पोजीशन में आ जाते हैं। दैट इज सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम, आप खुद से कर सकते हैं, राइट। इन्हीं 150 लोगों में से 20% आपका क्राउड पॉजिटिव हो जाएगा आउट ऑफ दीज 150। टोटल लिस्ट का केवल 15% वो रेडी हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, चीज अच्छी है, इंसान अच्छे हो। ध्यान रखना, आपके बिजनेस से पहले, आपके प्रोडक्ट से पहले अगर कोई आदमी देखता है तो ये देखता है आप इंसान कैसे हो, क्रेडिबल कितने हो, साथ कितना दोगे और किस नियत के साथ हो, आपको पहले जज करेगा, राइट। अगर आप इंसान ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट ने परफॉर्म कर दिया, कंपनी उसको अच्छी लगी, इनमें से 15% लोग यानी 30 people निकलेंगे जो बिजनेस को भी ट्राई करना चाहेंगे क्योंकि आपने फेयरली बता दिया था इट्स योर बिजनेस। 30 लोगों को बिजनेस ट्राई करेंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 20 से 25 लोग ऐसे रहेंगे जो वापसी, एक बार डिस्ट्रीब्यूटर अपग्रेड होंगे वापसी जाके कंज्यूमर बन जाएंगे लॉयल कि हमने ट्राई किया बट नहीं हो पाया। लेकिन 5 से 10 लोग आपके साथ बिजनेस को कंटिन्यू कर जाएंगे, 100% आगे बढ़ा जाएंगे। अब इस सिचुएशन में इस लॉ ऑफ एवरेज को मैं काम करता हूं, 200 लोगों की लिस्ट बनाता हूं मेहनत करके, 3 महीने में अच्छा स्किल होके, प्रोडक्ट की नॉलेज लेके, बेटर कैरेक्टर के साथ बेटर प्रेजेंटेशन करता हूं, रिलायबल प्रेजेंटेशन करता हूं, तो मेरा 3 महीने में क्या इनकम आता है ऑन एन एवरेज। फर्स्ट इनकम मंथ से मैं लगभग 25,000 बिजनेस वॉल्यूम कर पाता हूं, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम इन अ मंथ कर पाता हूं सेल्फ एफर्ट की वजह से। मैंने बताया सर 2,000 से 3,000 के बीच में रिटेल हो रहा है, तो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आप रिटेल कर पाते हैं तो कंपनी की तरफ से लगभग आपको 7,000 से 8,000 का इनकम आ जाता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ। 7,000-8,000 आप पहले महीने कमा सकते हैं, इसके लिए कोई नेटवर्क नहीं हुआ, अभी किसी को जोड़ा नहीं है, ये मेरा एफर्ट था, मेरे रिलेटिव थे, मैंने प्रोडक्ट टेस्ट किया था, मैं सेटिस्फाइड था, मैंने इन लोगों को ये बताया कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मैंने ट्राई किया तो मुझे अच्छे लगे तो मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ। और मेरे कहे पे सिर्फ एक मौका दीजिए, दुनिया का बड़े से बड़ा बिजनेसमैन चाहे वो बिल गेट्स हैं, इन सब ने अपने जानकारों से या नए आदमियों से एक मौका जरूर मांगा है। आप कोई मूवी उठा लीजिए, हर मूवी का एक ही सेंस है कि हर बड़ा बिजनेसमैन कुछ भी करने से पहले अपने बिजनेस के लिए हर क्लाइंट से एक मौका मांगता है कि एक मौका मुझे दीजिए, मेरे प्रोडक्ट को दीजिए, मुझे दीजिए, मेरी सर्विसेज को दीजिए एंड सी द रिजल्ट। ये एक मौका ही पूरी लाइफ है, राइट। तो 25,000 अपने सेल बीवी का, 50,000 का लेफ्ट और राइट चला जाएगा, ऑन एन एवरेज 7,000-7,500 का पे आउट आ जाता है। सेकेंड मंथ भी वही साइकिल है, इसमें भी आपका अगर पिछले महीने वाले रिपीट कर दें तो 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा, लेकिन मैं उतने पे नहीं जाऊंगा, मैं मान रहा हूं आप ही की प्रैक्टिस से दोबारा भी 50,000 निकला है, तीसरा भी 50,000 निकला है, तो 2 महीने 7,000 से 8,000, तीसरे महीने यही पे आउट आपका कंपनी के एंड पे लगभग लगभग 20,000 से 22,000 हो जाएगा। तो थर्ड मंथ की इनकम आपके सेल्फ एफर्ट से 20,000 से 22,000 कंपनी इंसेंटिव आएगा, कंपनी से चेक आता है, वाइट का पे आउट आएगा। अगर ऑन एन एवरेज आप 20% रिटेल मार्जिन भी रख लेते हैं, विच इज वेरी हेल्दी मार्जिन, 105 रुपए की हल्दी है जो अमेजोन पे इस समय पे 250 प्लस में अमेजोन रिटेल कर रहा है,
आप 130 में भी रिटेल कर लेते हैं, 125 में भी रिटेल कर लेते हैं, तो आप अमेजोन से हाफ प्राइस पे सेम क्वालिटी सर्व कर रहे हैं अपने लोगों को। आप जीआईटी 500 की बजाय 600 में रिटेल कर लेते हैं, आप टूथपेस्ट 65 की बजाय ऑलमोस्ट 75 में रिटेल कर लेते हैं, एक 20% का फेयर मार्जिन जो कि सर्विस मार्जिन हर बंदा रखता है वो रखते हैं, तो आपकी पहली महीने की जो रिटेल वॉल्यूम है वो बनती है लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए। उस पर 20% का मार्जिन करूं तो आप 20 से 30 हजार रुपए अपनी रिटेल से कमाते हैं और 7 से 8 हजार रुपए कंपनी से कमाते हैं। आप फर्स्ट मंथ भी 30 से 35 हजार के इनकम पे इन टोटालिटी पहुंच सकते हैं। थर्ड मंथ ऑनवर्ड्स अगर आप अपना पूरा चार्ट उठाएंगे, सही से फॉलोअप लिया, प्रोडक्ट पसंद आए, लोगों को रिपीट कराते हैं, सिस्टम सेट करके दे देते हैं हाउ टू ऑर्डर, हाउ टू गेट द प्रोडक्ट्स, तो थर्ड मंथ ऑनवर्ड्स एक व्यक्ति अपनी ही इस लॉ ऑफ एवरेज से 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम अपने आईडी पे एनरोल करता है। कंज्यूमर क्लब रिटेलर क्लब मिला के लगभग 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे उसे 33,000 रुपीज का पे आउट आता है और 50,000 लेफ्ट राइट करके 15 से 16 हजार रुपए का मार्जिन उसको और आता है। यानी आप इजिली कंपनी से 40,000 से 50,000 रुपीज अ मंथ अर्न करने लगते हैं अगर आप 150 क्लाइंट से एक मौका भी लेके खड़े हैं तो, और उनमें से 80% प्रोडक्ट ही उनको पसंद आया है। और अभी मैंने जीआईटी नहीं दिया है किसी को इस मॉडल के अंदर, अभी मैंने उनको रूटीन ऑल ग्रीन नहीं दिया है, ओमनी सेल नहीं दिया है, स्टोन फ्लश नहीं दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं दिया है, कोई मल्टीविटामिन नहीं कर रही है, प्रोटीन नहीं दिया है, रूटीन शेक नहीं दिया है, बेरिटी भी नहीं दिया, ये मैंने सिर्फ बेसिक यूज के प्रोडक्ट से वॉल्यूम्स को बिल्ड किया है वेयर दीज पीपल आर सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स। एक आदमी 40 से 50 हजार की इनकम थर्ड मंथ हिट करता है। इसके अलावा हर महीने वो व्यक्ति 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम के लिए लगभग 2 से 3 लाख का रिटेल करता है जिसमें 20% का हमने मार्जिन लिया था, तो 40,000 से लेके 60,000 रुपए वो रिटेल से कमा सकता है। इन टोटलिटी अगर मैं दोनों इनकम को क्लब करूं तो फ्रॉम फोर्थ मंथ ऑनवर्ड्स चौथे महीने से आप लगभग 6 फिगर इनकम पर जा सकते हैं। अब आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें नेटवर्क भी नहीं बिल्ड किया, टीम भी नहीं बिल्ड करी है, आप उस बिजनेस मॉडल से 50-60 हजार रुपए भी अगर कमा रहे हैं, दिस इज अ हैंडसम इनकम जो आपने अपने बिजनेस से दूसरे तीसरे महीने कमानी चालू कर दी। आपके जो 30 लोग बिजनेस को ट्रायल करने के लिए आए हैं, ये उनके लिए बिजनेस मॉडल बन जाता है कि बॉस आपको भी एक लिस्ट बनानी है, सब लोगों को बताना है, हर बिजनेसमैन अपने लिए एक मौका मांगता है, आपने मांगना है, बाकी काम हमारा प्रोडक्ट करेगा और उस प्रोडक्ट से आपको 80% का रिजल्ट आएगा, 20% प्रोडक्ट पसंद नहीं आएंगे वो साइडलाइन कर दिए जाएंगे। अगर उसके बाद इनमें से 40% ट्रैफिक में भी जीआईटी, रूटीन ऑल ग्रीन, मल्टीविटामिन, ओमनी सेल ऐसे प्रोडक्ट पहुंच गए, योर बिजनेस विल बी रॉकेट हाई, स्काई हाई सोर करेंगे आप, एकदम से बिजनेस बढ़ने लग जाएगा, राइट? तो ऐसी किसी सिचुएशन में अ पर्सन कैन इजिली रीच टू एन इनकम ऑफ 50,000 to 60,000 और उस इनकम से किसी को भी ज्वाइन कराना, काम कराना आसान है और सेम बिजनेस मॉडल डुप्लीकेट हो जाएगा। उसे लॉ ऑफ एवरेज समझाइए, उसे प्रोडक्ट का नॉलेज दीजिए क्योंकि इन 150 लोगों से बात करने के लिए उसको प्रोडक्ट नॉलेज लगने वाला है, उसे प्रोडक्ट नॉलेज दीजिए, उसे ट्रेनिंग्स में प्लग इन करिए, उसे सीनियर लीडरशिप के साथ जूम सेशन में मेंटरशिप करवाइए। ये 30 लोगों में से यकीनन 10 लोग इस मॉडल को फॉलो करेंगे और अगले 3 महीने में 10 लोग अगर आपको एवरेज 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम दे रहे हैं तो पहले 3 महीने में आप एवरेज 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे पहुंचे, 6 मंथ में आप एवरेज 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे हैं, लगभग 1.25 लाख रुपए का इनकम आप रिटेल प्लस अपना सेल्फ बीवी से करते हैं और 1 लाख रुपए का चेक आ जाएगा। दिस इज वन थिंग वेयर यू कैन सी योरसेल्फ। सर प्लीज। सर देखिए, आपने बताया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे तो 6 महीने में हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, जो कि हम भी यही बताते हैं और हम बताते आए आज तक, पर होता नहीं है एक्चुअली। जो यहाँ पे जो ये नॉर्मल आज के टाइम पे जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे इस मीटिंग में, ये भी यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ते रहेंगे, पीछे नहीं आएंगे। बट पॉइंट क्या है कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि 6 महीने बाद हम 1 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे, जो मुझे भी अच्छा लगता है कि हम मेरी भी इनकम इतनी हो जाएगी और यही हम दिखाते आए हैं लोगों को, बट प्रैक्टिकल नहीं हो रहा। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो ये पॉसिबल हो नहीं रहा है। और लाख रुपए तो छोड़ो सर,
हम आधे लोग क्या है सर्वाइव, यानी कि शुरुआत करते हैं लोग गिरते रहते हैं। अगर मैं एक टाइम 50,000 पहुंचा तो मेरा 30 हो जाता है, 20 हो जाता है, बट मैं 50 से 60 नहीं पहुंच पाता। राइट, तो द पॉइंट इज कि हम लाख रुपए दिखाते तो हैं, हमने ही बहुतों को दिखाए हैं, बट पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा। और कोई लाख पे पहुंचा भी है तो वापस 80 पे आ गया, 50 पे आ गया, 40 पे आ गया, 10 पे भी आ गया, लाख से 10 पे आ गया। तो ये लगा लो 90% क्रैश है, लाख से 10 पे आना 90% क्रैश है। सो अगेन द पॉइंट इज हम ऐसे क्यों इतने कॉन्फिडेंट है कि हमारे साथ वो लाख पे हम पहुंच पाएंगे, और हम बच्चों को क्या ऐसा बता सकते हैं दैट दे शुड फील एक्साइटेड, यस, कि यहाँ पे हमको फ्यूचर सिक्योर लग रहा है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे सही में ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि सर देखिए, अगर प्रोडक्ट बिकेंगे तो लाख का 2 लाख भी आएगा, बट अगेन मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या हम जो सपने दिखा रहे हैं या हम जो बात कर रहे हैं, क्या सही में पॉसिबल है कि हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा? ग्राफ यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में ग्राफ कैसा होता है, ऐसे जाता है और फिर ऐसे हो जाता है। तो ये जो ये वाला जो ये है ना, ये लोगों को डर लगता है, यहां तक ठीक है, बट अभी इसको ऐसे ही कंटिन्यू तभी जाएगा जब वो प्रोडक्ट में रीपर्चेस अच्छा बनेगा, लोग रिटेलिंग पर फोकस करेंगे और रिटेलिंग होगी, वैल्यू फॉर मनी होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी रेगुलरली और अच्छी होगी, डिग्रेड नहीं होगी। तो पॉइंट ये है, रियलिटी है सर, 100% रियलिटी है सर। और इसीलिए मैंने कहा था कि आई एम ब्लेस्ड टू वर्क विद योर टीम, क्योंकि एटलीस्ट आप फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं, एटलीस्ट लोगों को एजुकेट हम लोग मिलके कर रहे हैं। देखिए अभिषेक सर ने जो कहा वो बिल्कुल बॉटम लाइन है, आप मेरी बात समझिएगा इसमें भी। हम क्यों कॉन्फिडेंट है, नेटवर्क मार्केटिंग लाख से जाके 10,000 पे क्यों आती है? दो चीजें होती हैं, एक होती है वन टाइम सेल, एक होता है रिपीट सेल। मैंने कल रात भी किसी को डायलॉग मारा, मैं एक बात जानता हूं, एक बार की वन टाइम सेल 12 बार की सेल से 12 गुना कम होती है। जो प्रोडक्ट यानी रिपर्चेज नहीं हो रहा, जो प्रोडक्ट रिपर्चेज होकर 12 बार बिक गया ना, वो एक बार से 12 बार बिकने वाला 12 गुना कम रहेगा। ये सिंपल एवरेज है, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जो अपनी रिपर्चेज नहीं ला सकता, उसको वन टाइम बेचने से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। डायरेक्ट सेलिंग में हम लोगों ने क्या फोकस करा है कि जो ये एक मौका हम मांगते हैं ना, ये तो बहुत स्ट्रॉन्गली मांगते हैं, लेकिन वो किसी ऐसे प्रोडक्ट लाइन के लिए मांग लिया जिस प्रोडक्ट लाइन ने परफॉर्म नहीं किया। लोगों ने हमारे दिमाग में डाल दिया कि यार प्रोडक्ट की कोई इंपोर्टेंस नहीं है, यहाँ आए हैं पैसे के लिए, पैसा आएगा तो प्रोडक्ट तो कहीं और से ले लेना। पैसा भी तो तभी आएगा ना जब कोई मेरे से प्रोडक्ट लेगा। एक बार अगर उसने प्रोडक्ट लेके दोबारा छोड़ दिया तो मुझे पैसा भी कहां से आने वाला है बॉस? मेरे को आपने बोल तो दिया बहुत अच्छा कि प्रोडक्ट की कोई कीमत नहीं है, जब पैसा आएगा तो प्रोडक्ट कहीं और से ले लेना, ये बात समझ आ गई ना मुझे? लेकिन मुझे भी तो कोई पैसा नहीं देगा ना, जिस प्रोडक्ट पे मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ही नहीं खरीद रहा हूं कमाने के बावजूद यहां से, उसे दूसरा कोई क्यों खरीदेगा? ये तो बिल्कुल फेक बिजनेस मॉडल है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब नेटवर्क करते हैं ना तो टर्नओवर खींच देते हैं, न्यू ज्वाइनिंग्स करते हैं, आते हैं, लोग मोटिवेटेड हैं। जब तक मोटिवेशन है तब तक मोटिवेशनल बाइंग हो रही है, नीड बेस्ड बाइंग नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, नीड बेस्ड बाइंग नहीं है, मोटिवेशन बेस्ड बाइंग है। मोटिवेशन कभी तो खत्म होगी, जब नहीं कमाएंगे तो खत्म हो जाएगी। जब मोटिवेशन का ग्राफ डाउन जाएगा तो सेल का ग्राफ डाउन जाएगा, जब सेल का ग्राफ डाउन जाएगा तो ऑटोमेटिकली चेक डाउन चला जाएगा। यहां पर हम क्यों कॉन्फिडेंट है, हमने जैसे स्पाइसेस निकाला, मैंने बात भी करा, और बहुत जल्दी मेरे ख्याल से 1-2 दिन से ही हम सेशन स्टार्ट करेंगे, तो मैं आप लोगों को बेटर क्लैरिटी दे पाऊंगा। आज ब्रीफ में बताऊंगा लेकिन बहुत बेटर क्लैरिटी मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। हमने स्पाइसेस निकाले तो बिल्कुल यूनिक निकाले। हमने उसमें भी ये किया कि जिस आदमी के पास एक बार जाए ना, वो आदमी ये कहे यार मसाला चाहिए तो यही चाहिए। मैं जब जयपुर में था, मैं रिव्यू तो नहीं जानता, वो पर्सन में नाम भूल गया, चश्मे वाले हैं जिनका नॉर्थ ईस्ट की साइड नेटवर्क है, आई रिमेम्बर द पर्सन, नाम भूल गया क्योंकि आप लोकेंद्र जी ने मुझे एक अच्छी चीज बोली सर रिव्यू। उन्होंने कहा कि जब मेरे घर पे हल्दी पहुंची तो मेरी मदर ने ये नहीं कहा ये ऑर्गेनिक है ऐसी है, उन्होंने कहा यह हल्दी असली है। मतलब बेसिक लेवल पे पीपल कैन प्रमोट टेक्निकलिटीज, बट उनकी मदर ने कहा कि यह हल्दी असली है। और लोकेंद्र जी ने कहा कि मेरे फादर साहब का फोन आ गया कि मेरे 2-4 दोस्त हो रहे हैं उनके लिए भी ये मसाले मंगा देना। ना ऑर्गेनिक पता है ना चीज पता है, बट जो लोग पहचान करते हैं अभी भी वो देखते बोले कि असली हल्दी है, ये लग रहा है बात है, खाएंगे टेस्ट आएगा रिजल्ट आएगा तो आदमी टिकेगा। अब प्रोडक्ट गया है, स्पाइसेस गया, क्वालिटी मेंटेन करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम 100% अश्योर्ड करते हैं आपके लिए रेगुलरली मेंटेन करेंगे, इस मामले में आपके साथ कभी कोई धोखा नहीं होगा। अब वो प्रोडक्ट गया है तो प्रोडक्ट वहां टिकने के लिए गया, वो वहां टिकेगा, कैसे भी टिकेगा, पर वो प्रोडक्ट
वहां टिकने वाला है। अब व्यक्ति को हर महीने मसाले चाहिए, हर वक्त हर महीने फेस वॉश चाहिए, साबुन चाहिए, वो क्वालिटी से 100% सेटिस्फाइड है ना प्रोडक्ट की, तो बॉस वो जाने ही वाला है, वो हर महीने खरीदने ही वाला है, इसलिए यहाँ पर डाउनफॉल नहीं आएगा। लेकिन क्या डाउनफॉल आ सकता है? आ सकता है। क्या ये हो सकता है कि 1 लाख तक ना जा पाए, कहीं फेलियर हो जाए? हो सकते हैं। किन किन पॉइंट से फेलियर अकर हो सकता है और डाउनफॉल कैसे जा सकता है? देखिए, आपने स्पाइसेस दिए, पर्सन को पसंद भी आ गए, रेडी भी है, सब कुछ सेट है, लेकिन वो अपनी आदत नहीं बदल पाएगा। आपने उससे बात भी कर ली, उसने बता भी दिया मैं सेटिस्फाइड हूं, आपने पूछ भी लिया कि अंकल जी, भाई, दोस्त, मौसी जी, क्या आप इस प्रोडक्ट को रिपीट करेंगे? उसने कहा हाँ जरूर रिपीट करूंगी। लेकिन मैं बताता हूं इसमें चैलेंज कहां आता है। चैलेंज यहां पर आएगा कि वो व्यक्ति जब रिपीट करेगा तो वो उस दिन ऑर्डर लगाने की सोचेगा या उस दिन पूछेगा जिस दिन उस पैकेट की लास्ट स्पून को यूज करेगा। उसके पास लीड टाइम सिर्फ 1 दिन बचेगा। वो कस्टमर है, वो ये काम करेगा, ये करना ही है उसने, मतलब आप चाहे कुछ कर लीजिए वो ये करेगा ही करेगा। 1 डे का लीड टाइम देगा आपको। अरे बेटा वो याद नहीं रही मुझे बोलना, वो हल्दी खत्म हो गई आज, तो आज कहां से हल्दी मिल सकती है? और अगर आज आप उसे हल्दी डिलीवर नहीं कर पाए ना, तो मार्केट से कोई ना कोई पैकेट जरूर ले लेगा। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने कस्टमर की लिस्ट बना के मॉनिटर करना पड़ेगा और पहले से आपको उसको फॉलोअप देना पड़ेगा कि यूजुअली आपकी इतनी हल्दी कब तक लग जाती है, कब तक खत्म हो जाएगा, आप मुझे थोड़ा बता दीजिए। और उसको 4-5 दिन पहले आप रिमाइंडर डालना स्टार्ट करेंगे। कस्टमर आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, हम भी उसमें असिस्ट करेंगे टेक्नोलॉजी से, वो जल्द बताएंगे कैसे करेंगे, लेकिन उसके लिए भी हमारे को फॉलोअप लेना पड़ेगा। 90% फेलियर में देखता हूं फॉलोअप में आ जाता है। व्यक्ति है, प्रोडक्ट पसंद है, सब कुछ पसंद है, लेकिन उसको कॉल ही नहीं कर रहा कोई दोबारा ऑर्डर लेने के लिए। हम क्या मान के चल रहे, प्रोडक्ट पसंद आएगा सामने से ही आएगा कॉल। वो कस्टमर है, वो किंग है, उसके अंदर किंग वाला एटीट्यूड रहेगा कि मुझे किसी ने प्रोडक्ट देने की जिम्मेदारी उठाई है तो उठाए। और एटलीस्ट आपको ये 6-7 महीने करना पड़ेगा जब तक वो हैबिचुअल नहीं हो जाता। एक बार करके छोड़ देने से आदमी को बहुत कुछ भी पसंद आ रखा हुआ ना तो भी स्विच कर जाता है, क्योंकि उसे ये चाहिए कि थोड़ी खुशामद करो यार, एक आधी बार फोन कर लो, फॉलोअप कर लो, वो हम नहीं करते हैं। ये करना जरूरी है। एक जगह यहाँ फेल अकर होता है, प्रोडक्ट समझ आ गया, क्वालिटी समझ आ गई, रेट समझ आ गया, कंसिस्टेंसी समझ आ गई, ये भी समझ आ गया कंसिस्टेंसी के बाद हल्दी कितने की पड़ेगी, लॉयल कंज्यूमर भी बनने को तैयार है आपका, लेकिन फॉलोअप नहीं हुआ, पहला फेलियर। दूसरा फेलियर कहाँ होगा? जब लिस्ट बनानी थी तो अपलाइन समझाएगी, बार बार समझाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाना, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, शादी वालों की, सबकी लिस्ट बनाना, सबकी लिस्ट बनाना, नहीं, वहां हम प्री जजमेंट करेंगे, पहले ही दिमाग लगा देंगे पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये लेगा ये नहीं लेगा। 70 तरीके का माइंडसेट लेके लिस्ट बनाते हैं, न्यूट्रल माइंडसेट से लिस्ट ही नहीं बनेगी। जब रॉ मटेरियल ही नहीं है, नो वन कैन गिव यू रिजल्ट्स। अब आप सोच रहे कि आपकी लिस्ट में आदमी 10 है और आप नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे, तो बस उन 10 के 10 का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं निराश हो जाओ, नहीं कर सकते, और चांसेस बहुत कम हो गए हैं यार, रेयर हो गया है, मैं झूठ भी नहीं बोल सकता और आगे भी नहीं बढ़ सकते। और अभिषेक सर का और हमारा और बाकी सब लोगों का शायद मेंटल सेटअप भी इसलिए आया कि हम गलत बात नहीं बोल सकते। अगर आपकी लिस्ट में आदमी 10-30 है, आपकी प्रोबेबिलिटी लो चल रही है। अगर आप स्किल सेट बढ़ा लें और कुछ चमत्कार हो जाए तो हम आपके लिए दुआएं करेंगे, आपको कुछ हम माइंडसेट दे पाए, मदद करेंगे। इस लिस्ट को आगे कैसे बढ़ा सको, पास्ट लाइफ से 20 लोग जुड़े हैं, आगे 1-2 साल में पहले तो लिस्ट कैसे बढ़ा सको उस पर कुछ देंगे। लेकिन अपनी पेशेंस का टाइम ना, लिस्ट लंबी नहीं है तो धैर्य का टाइम लंबा कर लो भाई। अगर आपके पास लोग ही नहीं है ना, तो पहले तो लोग कमाने पड़ेंगे, तो वो प्रोसेस लंबा है, 1.5 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को ना 6 महीने 1 साल में चेक मत देखना, पहले तो 1-2 साल लोगों को कमाने में लगाओ, फिर लोग आएंगे, फिर उनमें से फिर फिल्टर होगा, फिर सिस्टम काम करेगा। तो पब्लिक कम है, टाइम ज्यादा हो जाएगा। सेकेंड थिंग, फिर फेलियर कहां आएगा? फिर फेलियर यहां आएगा कि रेदर देन ए ट्रेंड प्रोफेशनल, वानर बन के टूट पड़ेंगे उन लोगों पर, बिना किसी प्रोडक्ट को जाने, बिना बेसिक्स को समझे, बेवकूफों की तरह उनको प्रोस्पेक्ट कर देंगे।
उन 50 लोगों पे ज्यादा एनर्जी लगाएंगे जो हमसे बहस कर रहे हैं, जो मैं लग रहा है इतने सवाल पूछ रहे हैं और मुझे मजा दे रहे हैं कि इनको तो हराना ही है, एक जंग सी चालू हो गई है, बस चाहे बिके ना बिके लेकिन इसको बेइज्जत करूंगा, जलील करूंगा, इसके सारे सवालों के जवाब दूंगा, आप वहां पे एनर्जी लगा देंगे वो फेल हो जाएगा। और उन 150% को आप प्रेफरेंस नहीं देंगे जो आपके ट्रायल के लिए तैयार हो, ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, आपके मांगने पे एक ट्रायल दे देंगे, ज्यादा समझ नहीं सकते लेकिन ट्रायल दे सकते हैं, दिल के खुले हैं, वहां पर हम एनर्जी नहीं लगाते। थर्ड थिंग, ये एक मौका मांगने की शिद्दत को नहीं समझ पाओगे, फेल हो जाओगे। ये एक मौका कितना जरूरी है उसके लिए मूवी देखिए, गुरु मूवी देखिए, मैं तो मूवी सेट भी बोलता हूं इनके अलावा, जहां पर एक आदमी ने गिड़गिड़ा के एक चांस मांगा, चाहे वो आशिकी में मांगा है, चाहे गुरु मूवी में बिजनेस के लिए मांगा है, या एक तारा रमपम शायद मूवी थी, सैफ अली खान अपने परिवार को बचाने के लिए बोलता है कि मुझे रेसिंग करने का एक चांस दो। हर जगह देखना, एक सक्सेसफुल आदमी के स्ट्रगल में ना वो एक मौका ढूंढता आगे बढ़ता है। नारायण मूर्ति जी की कहानी है या टाटा की कहानी है या अंबानी की कहानी है, सबने एक मौका मांगा, हर बड़ा बिजनेसमैन करता है, करना ही पड़ेगा। ये एक मौका मांगने की शिद्दत कितनी थी, चाहत कितनी थी, कितनी स्किलफुल करा। और ये भी नहीं कि भिखारियों की तरह मौका मांगना, नहीं, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ढंग से डिग्निफाइड वे में प्रेजेंट होनी चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज डिग्निफाइड जाना चाहिए, और फिर ये एक मौका भी डिग्निफाइड मांगना चाहिए। अगर ये सब कुछ रहेगा तो ही ये सब हो पाएगा। इट्स ऑल अ रेसिपी फॉर अ ग्रेट इंग्रेडिएंट। मैंने सिर्फ पॉसिबिलिटीज बताई हैं, लेकिन ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन नंबर ऑफ लिस्ट में टकती है तो भी केस अटकेगा, शिद्दत में अटकती है तो भी अटकेगा, और अगर आप प्रोडक्ट का फॉलोअप नहीं कर पाए तो भी अटकेगा। फेलियर के चांसेस हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, रिमूव भी किए जा सकते हैं, अपलाइन मेंटरशिप लेके भी रिमूव किया जा सकता है, बट हमारे को पर्सनली डेडिकेट होना पड़ेगा कि ये मेरी लिस्ट है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा सपना है, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा बिजनेस है, और जो अपलाइन उसको रिमूव कराने में हेल्प कर रही है वो भगवान है बॉस। आपके सपने, आपके काम, आपके बिजनेस के लिए अगर कोई आदमी दिन रात आपके लिए खड़ा है, दैट पर्सन इज नथिंग लेस देन गॉड, भगवान से कम नहीं है वो व्यक्ति। एक मजबूत टीम बना के हम करेंगे, समय लग सकता है लेकिन जरूर कर देंगे। 6 महीने में पॉसिबल है ये मैंने बताया, आप सब का 6 महीने में चेक 1 लाख आने वाला है, ऐसा बेवकूफी में भी मत सोचना। मतलब अगर 500 लोगों का 6 महीने में 1 लाख का चेक आने वाला है ना बॉस, तो हम 5 साल में रिलायंस को बीट करने वाले हैं, जो हो सकता है आप मोटिवेशन में एक बार सोच ले, मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। हाँ, मुझे पता है बहुत रियलिस्टिक है, हम में से काफी लोग कर जाएंगे, काफी लोग पहले महीने ही कर जाएंगे, कुछ लोग धीरे धीरे करेंगे, टिकेंगे, समझेंगे, एजुकेशन के साथ चलेंगे, साल में नहीं होगा, 2 में होगा, 2 में नहीं होगा, 5 में होगा, 5 में नहीं होगा, 10 में गारंटेड होगा, लेकिन तरीके से चलने से। और अगर आपका माइंडसेट सिर्फ छोटी पारी खेलने का है तो उसमें फिर डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं कर पाती है। और ऐसे में कभी लगे कि मुझे अगर 10 साल की पारी खेलनी है तो, लेकिन पीछे तो मेरे फाइनेंशियल बैकआउट नहीं है, मैं घर कैसे चलाऊंगा, तो उसके लिए अल्टरनेटिव रूट को पकड़ के रखिएगा। आए हैं तो लंबी पारी खेलिए, क्रिकेट 50-50 है, 20-20 नहीं है बॉस। हो सकता है, सॉरी, डायरेक्ट सेलिंग 20-20 नहीं है, 50-50 का मैच है। इनिंग बनानी पड़ेगी, सेंचुरी लगानी पड़ेगी, थोड़ा पेशेंस भी करना पड़ता है, करिए, जिस दिन सेंचुरी बनेगी उस दिन बढ़िया होगा। ये काम पेशेंसफुली करिए, डिग्निफाइड करिए, प्रोफेशनली करिए, पागलों की तरह हरी में मत रहिए, हर बुलशिट को मत सुनिए, हर बेकार चीज पे मत सोचिए, हर बेकार आदमी को टैकल करने के लिए दिमाग मत लगाइए। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि दुनिया के हर नेगेटिव आदमी को आपको प्रोडक्ट देना ही है या पॉजिटिव ही करना है। हमारा काम है प्रेजेंटेशन करना, बहुत स्किलफुल डिग्निफाइड मैटर में, वो हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, और उतना होगा तो रिजल्ट आएगा। अभी तक दर्ज 9 में सभी लोगों को आया है, आप लोगों को भी आएगा। और एक बात जानिए, अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है ना, जिस 2-3 हजार रुपए के मैंने बात करी है प्रोडक्ट्स की, अगर वो आपने ट्राई करे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, टेक्निकल नहीं भी हैं, तो भी वो प्रोडक्ट आपके लिए काम करेगा। नॉलेज नहीं है तो भी काम करेगा, क्योंकि लास्ट में एक बात आप बोल सकते हैं, सर मुझे अकल नहीं है, मुझे थोड़ा पता है ये प्रोडक्ट केमिकल फ्री है, थोड़ा गूगल से सर्च किया, प्रोडक्ट ट्राई किया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा, मैं तो इतना बता सकता हूं ईमानदारी से। सच एक ऐसी चीज है सर जो हर रेट पे बिकता है। एक सच्चे व्यक्ति से जुड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और आप झूठ बोल के किसी चीज को पेल भी देंगे ना, तो ध्यान रखिए, आप प्रोडक्ट नहीं पेल रहे, आप अपनी किस्मत को पेल रहे हैं।
जो झूठ की चाशनी में डुबो के करी गई चीज है वो आज नहीं तो कल आपको हिटबैक करने वाली है। और मैं दर्ज नहीं इनके मंच पे नहीं चाहूंगा हम में से कोई आदमी झूठ की मीठी चाशनी के साथ किसी को जहर बेचे। हम कुछ भी करेंगे सच के साथ करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, जिसको देंगे उसकी जीत दर्ज करेंगे। हमारे कंज्यूमर भी जीतेगा क्योंकि वो बेहतरीन प्रोडक्ट यूज कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर भी जीतेगा क्योंकि उसे अच्छी कॉम्पनसेशन आ रही है, कंपनी भी जीतेगी क्योंकि हम लोगों ने मेहनत करी है और पैसा कमा रहे हैं। तो ये चीज सभी के लिए होने वाली है, बस ब्रेन को ओपन करके रखिएगा। गलत काम नहीं करना किसी के साथ, झूठ नहीं बोलना है। आज तक किसी ने पता नहीं बोला या नहीं बोला, लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर आप दर्जनों इनके 30 प्रोडक्ट ट्राई करते हैं और कोई आदमी पूछता तुम्हें प्रोडक्ट कैसे लगे, तो ईमानदारी से बताइए कि मैंने 30 प्रोडक्ट मंगाए थे, ये ट्राई किया था, 25 बहुत बढ़िया लगे, दो में मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया। जैसे मैं मुंह पे बोलता हूं, आप सब लोगों की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है जीआईटी को, जीआईटी की फैन फॉलोइंग आज नेशनल लेवल पे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे है, लेकिन मैं आज तक बोलता हूं कि पर्सनल बींग जितेंद्र डागर, मुझे जीआईटी ने कोई रिजल्ट डिलीवर नहीं किया। हालांकि मुझे गैस नहीं बनती लेकिन मैं यूज भी करता हूं, लेकिन मुझे नहीं समझ आया कभी कि इसके रिजल्ट क्या है। मेरे को लोगों से पता लगा, मेरे को टीम से जज करना पड़ा कि प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है। उन लोगों ने कहा सर मिराकुलस है सर, मतलब पब्लिक पागल हुई जा रही है, 100 में से 70 लोग तो दीवाने हो जाते हैं जीआईटी के। मैंने उनको कैसे हो सकते हैं, मेरे को तो कोई रिजल्ट नहीं है, मेरे को तो ऐसा पागल बना जैसा कुछ नहीं हुआ। तो मे बी दैट्स माई प्रोटोकॉल, मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ, मैं लाखों लोगों के सामने बोल सकता हूँ। हाँ मुझे गैनो टूथपेस्ट बहुत मजेदार प्रोडक्ट लगता है, अपना मजा है। ओमनी सेल में दीवाना हूं, उस प्रोडक्ट का एवरीडे लेता हूं। मुझे न्यूग्रो ने रिजल्ट दिया है, मैंने डिफॉल का रिजल्ट लिया है, मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं डिफॉल के। मेरे को ग्लूटाथियन फेस वॉश बहुत पसंद है, मेरे को हमारा 65 रुपीज वाला सोप बहुत पसंद है, 170 वाला काम ज्यादा करता है, लेकिन मुझे पर्सनली, मैं लाइव बोल सकता हूँ बॉस इस बात को, मैं अपने 65 वाले साबुन को बहुत पसंद करता हूँ, आई लव दैट सोप। मेरी मेरी पर्सनल चॉइस आप लोग पूछेंगे तो, मुझे रूटीन में ब्लूबेरी फ्लेवर बहुत पसंद है, जबकि हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कंपनी का कुल्फी है, लोगों को पसंद है, मैं पर्सनली उतना पसंद नहीं करता हूँ। मैं ब्लूबेरी नट्स का फैन हूँ, मैं डे नाइट पीता। तो ये सारा फीडबैक जो मैं आपको दे रहा हूँ आप भी दे सकते हैं। जो करना है वो ईमानदार करना है, जो यूज कर रहे हैं वो बोलना है। फालतू का ज्ञान नहीं चाहिए कि मैं तो 95 वाला साबुन यूज करता हूँ, मैं नहीं करता। बिंग जितेंद्र डागर, आई डोंट यूज 95 सोप, मेरे को मेरी स्किन बोल लीजिए, मेरा टेस्ट बोल लीजिए, टेक्सचर बोल लीजिए, मैं अपने 65 रुपए वाले साबुन के साथ मोहब्बत में हूँ। मेरी आज की 65 वाले साबुन के साथ नहीं, 95 से कन्विंस्ड हूँ। 170 वाला मुझे स्किन प्रॉब्लम नहीं है, कोई ईश्वर के जैसे तो मैं नहीं यूज करता हूँ, मैं 65 वाले को बहुत पसंद करता हूँ। टूथपेस्ट में मुझे एलो लोगों को पसंद है, बहुत पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। मुझे गैनो पसंद आती है क्योंकि उसका एक डिफरेंट यूनिक फ्लेवर है, मेरा जैसा माइंड सेट मुझे सूट करता है, एक डिफरेंट फ्रेशनेस देती है गैनो टूथपेस्ट मुझे। उसमें मेरे को कैमोमाइल पता है, 60,000 रुपए लीटर का तेल है उसके अंदर, तो मुझे लगता है कि मैं एक प्रीमियम इंग्रेडिएंट दांतों के लिए यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बचपन में ही डेंटल इश्यूज आ गए थे, बहुत छोटी एज में आ गया था, तो मैं अपने टीथ्स को लेके कॉन्शियस रहता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम भी कभी एलिवेट हो सकती है। तो मुझे गैनो बहुत पसंद है, पर्सनली पसंद है। 60,000 रुपए के जी का इंग्रेडिएंट है उसके अंदर, तो अलग प्रोडक्ट कि मेरे दांतों के लिए बहुत अच्छा है, तो मुझे वो पसंद है। आई एम नॉट अ यूजर ऑफ टीसी ऑल द डे, मैं हफ्ते में 3 दिन टीसी करना पसंद करता हूँ, मैं मॉर्निंग इवनिंग गैनो। ये मैं आप लोगों को क्लियर बता सकता हूँ, आप भी आगे बता सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं कि आपने अपने कंपनी के दो प्रोडक्ट को अच्छा नहीं बोला। हम झूठे नहीं है, हम बिजनेसमैन हैं। हर प्रोडक्ट अच्छा ऐसा कभी होता है क्या? हर आदमी को पता है कि हर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, होता भी है तो मेरे लिए अच्छा नहीं होता, कि किसी को कुछ समझ आएगा, किसी को कुछ समझ में आएगा। एंड इफ यू आर नॉट लाइकिंग 1 or 2 प्रोडक्ट और मे बी 5 प्रोडक्ट्स इन द किट, इट्स ओके। मेरे को शेविंग जेल बहुत पसंद है, शेविंग क्रीम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद अपनी। जो लोग शेविंग क्रीम यूज करते हैं बोलते हैं आपकी शेविंग क्रीम बहुत बड़ी, मुझे शेविंग जेल पसंद है, मैं अपना ही शेविंग क्रीम नहीं यूज कर पाता हूं। सो दैट इज हाउ इट मूव्स। इफ आई कैन कमिट इट टू यू, यू कैन कमिट इट टू एनी वन। तो वो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर हम ये कर पाते हैं तो आई थिंक विदाउट फेल हम अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, और जितना भी कर पाएंगे सुकून भरा कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाट आई थिंक इट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन, और इससे हम अपना फेल हटा सकते हैं, अपने सपनों को रिसाइज कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस के थ्रू बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, और मेहनत करके
ईमानदारी के साथ अपना बिजनेस सेटअप कर पाएंगे? दैट इज माय कॉल सर। देखिए एक सिंपल सी बात है, मैं अगर मैं शुरुआत कर दी है मैंने, कल अगर मेरा चेक लाखों में आता है मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा, मुझे कोई, क्योंकि मैं कर चुका हूँ। बाकी भी पंकज जी, अंकुश जी, अमरीश जी, दिव्य, जिनका भी अच्छा चेक बनता है, आज उनका चेक अच्छा आता है जी। तो मैं उसको सक्सेस नहीं बोलने वाला अभी जी। मेरा पर्पस ये है कि एक नया बच्चा जिसने शायद कभी 10,000 का चेक नहीं देखा है, 20,000 का चेक नहीं देखा है, वो यहाँ पे आके कंसिस्टेंटली ग्रो कर पाए ऑर्गेनिक तरीके से, और वो अपना लाख उसके बाद चेक और बढ़ा पाए, मेरा मोटिव ये है। कल मेरा चेक अगर आएगा, मुझे पता है मेरा लाख से ऊपर से आराम से आ जाएगा, पर मुझे वो मोटिवेशन नहीं है मिल गया, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए इस टाइम पे है, क्योंकि वो मैं कर लूंगा, वो कहीं भी कर लेता मैं। राइट सर, पॉइंट ये है कि एक नया बच्चा क्या वो कर सकता है, और एक नए बच्चे को क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए डिजाइन शुरू करने से पहले, और क्या अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, हम सुन अच्छा रहे हैं, हमने सुना बहुत कुछ है, बट एक चीज जो चीज कमी है हमारे अंदर, हमको रिटेलिंग नहीं आती, हमने कभी रिटेलिंग करी नहीं एक्चुअली, हमने प्रोडक्ट की बातें करी हैं, हमने कभी प्रोडक्ट बेस्ड काम करा ही नहीं अभी तक। सो द पॉइंट इज, अभी हम उसमें लैक करते हैं, हमको प्रोडक्ट के बारे में जानना भी इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रोडक्ट, हमको क्या अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे अच्छे तो हैं, काम करने के लिए रेडी हैं, बट इनके अंदर जो एक कमी है, इन्होंने कभी प्रोडक्ट बेस्ड काम किया नहीं, इन्होंने कभी प्रोडक्ट बेचे नहीं है, इन्होंने सिर्फ अभी तक हमने सिर्फ सपने बेचे हैं, हमने बातें करी हैं, और अब मैं चाहता हूं कि लोग प्रोडक्ट से थोड़ा जुड़े और प्रोडक्ट को सेल करें, क्योंकि मुझे पता है रिजल्ट वहीं से आएंगे। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, एक फ्रेशर ही क्या अप्रोच होनी चाहिए, एक ऐसा बच्चा जो कि एम्बिशियस है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो लाख रुपए पहुंचना चाहता है, अभिषेक गोवा नहीं होगा वो, पंकज चौधरी नहीं होगा वो, अंकुश मीना नहीं होगा, और अमित सारण नहीं होगा वो, इन लोगों को मैं नाम हटा रहा हूँ। पॉइंट इज, जो नया बच्चा आएगा कि वो क्या लाख पे पहुंच पाएगा, उसे क्या अप्रोच होनी चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सर कि प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है इंडिया में प्राइस सेंसिटिव है, बट मैं बहुत मानता हूँ कि क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगेन मेरा क्वेश्चन सिंपल सी बात है, यहाँ पे लोग बातें सब कर चुके हैं, किसी ने भी अभी तक प्रोडक्ट वाला काम करा नहीं है, ये मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने भी नहीं किया, मैं बोलूंगा मैं अभिषेक 1800 मैंने भी नहीं किया इतना अभी, बट हाँ प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट से जुड़ के प्रोडक्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, फिर आगे लोगों तक पहुंचाना इंपॉर्टेंट है। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए और क्या अप्रोच हमारे को कामयाब, और आपके पास प्रोडक्ट की रेंज अच्छी है कि हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कि हमको लगता है कि प्रोडक्ट की, जैसे आपने सर्टिफिकेशन दिखाई है, आई थिंक आर वेरी वेल, तो हमको अप्रोच क्या रखनी चाहिए, और एक यंग, एक बिल्कुल एम्बिशियस इंसान क्या अप्रोच रख सकता है आगे बढ़ने के लिए, और वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है D9 के प्लेटफॉर्म से और उनके प्रोडक्ट की रेंज से। इसमें दो तीन चीजें सर, रिटेल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज है प्रोडक्ट की नॉलेज और प्रोडक्ट का आइडिया क्लैरिटी, ये है ही क्या मैं जो यूज करने वाला हूँ, उसी से आपकी कॉस्ट की जस्टिफिकेशन निकलती है, उसी से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, पहली चीज। दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ द कॉइन। फर्स्ट साइड पे आपका नॉलेज है, जिसके लिए मुझे लगता है कि हमें सेशंस लेने पड़ेंगे रेगुलरली, 5-7 दिन में 8 दिन में हम सेशंस लें लगातार, उन पे बात करें, एक्टिव क्वेश्चनिंग करें प्रोडक्ट्स पे, तो हमारा ब्रेन ओपन अप होगा। तो फर्स्ट चीज है, वी विल बी फ्यूल्ड विद नॉलेज एंड बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन हमारे को पावरफुल करेगी, उसके टेस्टिंग्स, उसके क्लिनिकल एविडेंसेस, देन ऑल ओवर द ग्लोब क्या चल रहा है वो मैं आपको शेयर स्क्रीन करके दिखाऊं, ताकि वो सब फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर हो, एंड हम थोड़े से एक कह सके एक सॉफ्ट ग्रेजुएट बन जाए प्रोडक्ट के अंदर, तो हम ये समझ पाए हमारे घरों में चल क्या रहा है, ये प्रोडक्ट के नाम पे हो क्या रहा है, एक ओवरव्यू कैप्चर कर लें, ताकि जितेंद्र डागर जी का ब्रेन नहीं, अभिषेक दुआ जी का ब्रेन नहीं, मीना साहब का ब्रेन नहीं, हमारा अपना ब्रेन प्रोडक्ट में काम करना स्टार्ट करें। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन इज फील एंड एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट। आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा प्रोडक्ट को, नॉलेज से प्रोडक्ट नहीं बिकता बॉस, आपके दिल को छुआ। मैं बोलता हूं बड़ा सिंपल, मैं बात करूंगा, मैं नॉलेज दूंगा, मैं इन्फ्लुएंस करूंगा, रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, शेयर स्क्रीन कर दूंगा, सब ठीक है। अगर बात आपके यहां गई है, ऊपर टॉप में ब्रेन में गई है, और आपकी जबान से आ रही है, वो माउथ पब्लिसिटी नहीं है। अगर आप पैसे के लिए कर रहे हैं, सुन के कर रहे हैं, और फिर जबान से बोल रहे हैं, आप बिजनेसमैन नहीं है, आप एक ड्यूअल लेवल सेल्समैन है, दोहरे चरित्र, दोहरे व्यक्तित्व के केवल एक सेल्समैन है, एक ऐसा व्यक्ति जो कन्विंस्ड नहीं है, इन्फ्लुएंस्ड है, समझिएगा, कन्विंस्ड नहीं है, इन्फ्लुएंस्ड है। वो आदमी यहां इन्फ्लुएंस लेके गया, प्राइम रीजन पैसे को बनाया, नॉलेज को बनाया, या लोगों को प्रभावित करने को बनाया, इन्फ्लुएंस को, और यहां से बोलना चालू कर दिया।
ये एमएलएम में नहीं चलता बॉस, ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इज माउथ रेफरेंस बिजनेस। और माउथ रेफरेंस कब होती है, जब आपने प्रोडक्ट को शेयर किया, एक्सपीरियंस किया, फील किया, दिल को हार्ट को टच किया प्रोडक्ट ने और जबान से निकलेगा, उस टाइम कॉस्ट सेंसिटिविटी मिट जाती है, उस टाइम हर चीज मिट जाती है। प्रोडक्ट ने मेरे दिल को छुआ, मैं किसी भी मंच पे बोल सकता हूँ, मैं प्रधानमंत्री मोदी को रेफर कर सकता हूँ क्योंकि मेरा दिल जानता है मैं सच बोल रहा हूँ। जब आदमी सच बोलता है ना उसमें ताकत अलग होती है। तो फर्स्ट अप्रोच इज नॉलेज, सेकेंड अप्रोच इज एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट। डू नॉट लाई, डोंट लाई, जैसा मैंने कहा अच्छा लगा अच्छा बोलो, बुरा लगा बुरा बोलो, कम अच्छा लगा कम अच्छा बोलो, इफेक्टिव लग रहा है इफेक्टिव बोलो, नॉन इफेक्टिव लग रहा है नॉन इफेक्टिव बोलो। आप कंपनी के साथ बिजनेस में है, भक्ति में नहीं है। जितेंद्र ठाकर भगवान नहीं है, दारू जैन मंदिर नहीं है, आप भक्त नहीं है, कोई जय दारू जैन नहीं है, कोई जय जितेंद्र ठाकर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है। वी आर बिजनेसमैन, प्रोडक्ट काम करेगा तो हमारे घरों में पैसा आने वाला है, तो मैं कितने प्रोडक्ट से कन्विंस्ड हूं वो मेरे को एक डेटा चार्ट बनाना पड़ेगा। सेकेंड अप्रोच शैल बी वेरी मच प्रैक्टिकल। थर्ड अप्रोच इज ट्रेनिंग ऑफ रिटेलिंग, रिटेल कैसे होता है उसका भी ट्रेनिंग होता है। नो डाउट आई एम ए गुड रिटेलर राइट नाउ, लेकिन मेरे रिटेल का अपना एक मार्केट है। आई यूजली रिटेल एवरीथिंग, आज भी ऑन शेयर और वो कंपनी के उसमें जाता, बट मेरा महीने का 7-8 लाख का रिटेल आज भी है, मेरा कमाया हुआ फेस वैल्यू, मेरी नॉलेज की वजह से, मेरे इन्फ्लुएंस की वजह से है, मैं आज भी करता हूँ, होता रहेगा, जिंदगी में रहूंगा तब तक करूंगा, क्योंकि बेसिक फॉलो करना सबसे पहले खुद के लिए जरूरी है। इसमें सेकेंड चीज हम क्या कर सकते हैं, हमारी टीम में कुछ बच्चे हैं और हम पूरी ही दारू जैन की टीम है, कोई अलग अलग नहीं है, पार्ट नहीं है, जिसमें बहुत अच्छे बच्चे 30,000-50,000 से लेके 3 लाख रुपए महीने की रिटेल इनकम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि कॉमन ट्रेनिंग सेशन अभिषेक सर के साथ इन फॉर्म ऑफ इंटरव्यू या पंकज जी के साथ हम उन लोगों का लगाएं, और उसमें हमारे को दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखने को मिलेगा, जो मैं कम्युनिकेट कर सकूंगा वो मैं करूंगा ही, लेकिन मुझे लगता है वो बच्चे प्रैक्टिकली रिटेलिंग में शायद मेरे से भी बेहतर है, मेरे से बहुत बेहतर है, सिखाने में बहुत बेहतर है, एवरी डे ऐसे रिटेल मार देते हैं। तो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस के साथ हम सभी लोगों को एक मंच पे लेकर आएंगे और इंटर ट्रेनिंग्स के थ्रू, एक दूसरे की एक्टिव लर्निंग इंटर लर्निंग के थ्रू हम सारे आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा ये मुझे लगता है कि ये अप्रोच जो है रिटेलिंग में बहुत हेल्पफुल रहती है, हमने पास्ट में किया है तो हमारी टीम के हर बच्चे ने ग्रो किया है। अभिषेक सर हैं? राइट सर। सर देखिए बातें बहुत हैं, बट आई थिंक आज हमारा 1 घंटा 15 मिनट हो गया है, अगेन 10-15 हो गया, बात करते करते पता नहीं चलता। एक्चुअली क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं सर, आई थिंक वी नीड अनदर सेशन। मैं नहीं चाहता कि मुझे लगता है बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं, बिकॉज आज के टाइम पे लोग पीपल आर पुटिंग इन लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। सारे मैं खुद सारा दिन हो जाता है, सारा दिन मीटिंग से लेके, आपको भी मैंने देखा है कि यू आर ऑल्सो ऑन योर टोज ऑल द टाइम। सो वी कैन कंटिन्यू दिस सेशन अगेन सर, मे बी इन अ डे और टू, क्योंकि ये है कि ऐसे लोग कह रहे हैं मजा आ रहा है, सुनते हैं और नहीं सुन तो लेंगे आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आई कैन कंटिन्यू फॉर आवर्स एंड आवर्स। डागर सर इज आल्सो देयर, डागर सर वैसे ही गाड़ी में है तो मैं नहीं चाहता कि सो बेसिकली सर ऑल गुड। क्वेश्चन मेरे दोबारा वही है, मेरे क्वेश्चन हमेशा एक ही रहेंगे, डाउनलाइन की ग्रोथ को लेके, एक नया एसोसिएट आगे बढ़ पाएगा उसकी ग्रोथ को लेके, प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग को लेके, प्रोडक्ट की चैलेंजिंग को लेके, तो मेरे हमेशा प्रोडक्ट्स ही रहेंगे, मेरे क्वेश्चन हमेशा यही रहेंगे, क्योंकि मेरे को अभी भी यही है, मेरा मोटिव यही था, हमारा क्वेश्चन यही था कि एक नया